लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी कचौरी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे हमने ये घर पर बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और बहुत ही खस्ता बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं मूंग दाल की खस्ता कचौरी। एक बाउल में हम लेंगे 2 कप मैदा, इससे हम 8 से 10-12 कचौरियाँ आराम से बना लेते हैं एक नॉर्मल साइज़ की। आप चाहे तो आपके इससे ज़्यादा बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने 1 कटोरी के लिए 1 चम्मच भर का नमक लिया है। अब यहाँ पर बारी आती है इसमें मोइन डालने की, तो 1 कटोरी के लिए 1 टेबलस्पून तेल इनफ है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये मैंने 1 डाल दिया था, अब ये 2 चम्मच, तो सिर्फ 2 ही टेबलस्पून डालिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिए, वरना आपकी कचौरी खस्ता तो बनेगी लेकिन बहुत ऑयली बनेगी, इसलिए 1 कटोरी के लिए 1 चम्मच। और इस तरह से आप इसे हाथ से रब करते हुए सभी तेल और आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इस तरह मिक्स करना है कि ऐसे गुठली बननी चाहिए उसकी, ऐसे एक बॉल या फिर एक आटे की शेप, वो तेल और मैदा अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसका मतलब कि आपका आटा गूंदने के लिए रेडी है। अब आप इसमें धीरे धीरे करके पानी डाल दीजिए ताकि जो आपका आटा है अच्छे से लग जाए। इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा कर हमें पानी डालना है क्योंकि हमें सख्त आटा लगाना है, बिल्कुल भी इसे नरम नहीं गूंदना है, हमें एकदम भी हार्ड आटा चाहिए। और अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाइए। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ही आपकी कचौरी खस्ता बनेगी, क्योंकि आपका आटा कैसा है इस पर ही आपकी कचौरी डिपेंड करती है। तो जल्दबाजी ना करें, अच्छी चीज़ खानी है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। देखिए सख्त आटा लग चुका है, अब इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। मुझे तकरीबन इतना पानी लगा है 2 कप के लिए, बहुत कम पानी में हम आटा गूंद लेते हैं। अब मैं इसे ढक कर रख देती हूँ और हम अब अपनी स्टफिंग की ओर चलते हैं। तकरीबन हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हमारी स्टफिंग रेडी हो जाती है 10 मिनट हो जाते हैं। तो ये है मूंग दाल जो मैंने 2 घंटे भिगो दी थी और अब मैंने मिक्सर में इसे दरदरा सा पीस लिया है। ये आपको दिखने में एकदम पेस्ट जैसा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है, इसे दरदरा ही पीसा गया है। जब मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कढ़ाई में तेल में मैंने डाल दिया जीरा, थोड़ी सी सौंफ, ये 1-1 चम्मच है दोनों भी। अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है कचौरी को। इन सभी चीज़ों को एक बार सौते कर लेंगे, गैस की फ्लेम लो ही रखनी है वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, तीखा आपके हिसाब से आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बेसन का आटा, ये 2 चम्मच भरकर बेसन का आटा है, यानी मैंने ये 1/4 कप ले लिया है। तो अब इसे अच्छे से भून लेंगे। ये जो हम नॉर्मली बाहर खाते हैं कचौरी, ये वही टेस्ट आता है क्योंकि ये स्टफिंग वैसी ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। आप अगर मेरा वीडियो देखकर इसे कचौरी को बना रहे हैं तो हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी इसमें कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए, बहुत ही ईजी रेसिपी है और इससे क्या होगा कि आपकी कचौरी पहली बार में ही बहुत अच्छी बन जाएगी। अब ये मैं पीसी हुई दाल इसमें डाल रही हूँ और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब क्या होगा कि हमारे जो स्टफिंग है थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, तो हमें ड्राई ही चाहिए क्योंकि अंदर की स्टफिंग ड्राई ही होती है। सभी मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसमें और एक एक चीज़ अब डालेंगे, वो है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर इसे एक अलग सा खटासपन देता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें आधा नींबू निचोड़कर भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारी स्टफिंग भी रेडी है। आपको दिख रहा होगा कि दाल और जो हमारा आटा है वो अलग अलग हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि दरदरा आटा है तो आपकी दाल सेपरेट हो ही जाती है। ये मैंने बाउल में निकाल के इसे ठंडा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे।
इस तरह हाथ में लेकर एक छोटी सी एक चम्मच भर कर ही लेना है एक कचौरी के लिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए वरना स्टफिंग ज़्यादा हो जाती है और आपकी कचौरी फटने का डर होता है। तो इतना नॉर्मल साइज़ है बॉल का हथेली में एक चम्मच भरकर, ये मैंने बॉल्स बनाकर रख दिया है। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की ओर। ये जो आटा हमारा 10 मिनट लगभग रेस्ट हो चुका है आटे को, तो इस तरह हम इसे आधा कर ये वाला पार्ट अब साइड में रख देते हैं, इसे बाद में बनाएंगे। और इसकी अब हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इसे मैंने चाकू से ही कट कर लिया था। अब आप ये वाला प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए। आटे की लोई को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे हाथ में, और अब हम राइट हैंड की मदद से बीच में इसे प्रेस करेंगे अपने अंगूठे की मदद से, और लेफ्ट हैंड से इसे ऊपर की ओर खींचेंगे। यानी कि बेसिकली हम इसकी एक कटोरी शेप दे रहे हैं इस आटे की लोई को। तो इस तरह से एक कटोरी की शेप देंगे और अपने लेफ्ट हैंड में अब हम इसे रख देंगे इस तरह, कोन रखते हैं उस तरह। और एक बॉल ले लेंगे स्टफिंग की, और इस तरह राइट हैंड की अंगूठे से फिर से इसे प्रेस करके अब हम इसके लोई को बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकाल कर रख देंगे। सील कर दीजिए अच्छे से वरना आपकी कचौरी फटेगी। तो अच्छे से सील हो गया है कि नहीं उसका ध्यान रख लीजिए। अब हल्के हाथ से टैप करते हुए अब बेलन की मदद से हम थोड़ा सा इसे पूरी की शेप दे देंगे। जो नॉर्मल हम पूरियाँ बनाते हैं उसकी वो ही शेप हमें देनी है, लेकिन ज़्यादा हमें इसे फ्लैट नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे रोल करना है। तो हल्के हाथ से करिएगा वरना आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो स्टफिंग बाहर आ सकती है, आपकी कचौरी फट सकती है। अब आप देख लीजिए कि इसका मोटाई कितनी है, और देखिए बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि किधर से सील किया है। ये तेल अब मैंने लो टेम्परेचर पर गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें दो ही कचौरी डालूँगी, ज़्यादा मैं इसमें नहीं डालूँगी। अब देख सकते हैं हमारा जो तेल में हमारी कचौरी जाकर बैठ गई है, इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना जब तक ये ऊपर खुद से तैर कर नहीं आ जाती। ये लगभग 2 मिनट में हमारी कचौरी ऊपर आ चुकी है। अभी भी इसे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमें इंतज़ार करना है कि ये थोड़ी सी फूल जाए। देखिए फूल रही है, बिल्कुल बलून की तरह फूल चुकी है और पपड़ी भी निकल रही है। तो ये एक सी निशानी है कि आपकी कचौरी में मोइन बराबर से डाला हुआ है और आपकी कचौरी खस्ता ही खस्ता बननी है। तो इस तरह धीरे से हल्के हाथ से हम इसे पलट देंगे और अब नीचे की साइड से हम सेकने देंगे। आपको कन्फ्यूजन होगा कि कचौरी धीमी आँच पर ही क्यों तलनी है, वो इसलिए ताकि आपकी जो कचौरी है वो पूरी तरह फूल जाए और बिल्कुल अच्छी बने, अच्छी तरह से सब तरफ से सिक जाए। अगर आपने इसे बड़े फ्लेम पर तल दिया तो आपकी कचौरी फूलेगी ही, लेकिन ये बिल्कुल एक पूरी की तरह लगेगी, यानी सॉफ्ट सॉफ्ट, और बाद में जब ये हम निकालेंगे तो ये पिचक जाएगी। तो अगर आप लो फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल आपकी कचौरी एकदम खस्ता भी बनेगी, अंदर से भी प्रॉपरली पक जाएगी। लीजिए हमारी कचौरी तैयार है। ऐसे ही मैंने सभी कचौरियों को तैयार कर लिया। देख लीजिए बिल्कुल मार्केट जैसी लग ही नहीं रहा, हमने इसे घर पर बनाया है। तो आप मेरी सभी टिप्स को फॉलो कीजिए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप भी बनाइए। देखिए आप, मैं आपको बता रही हूँ एक इसकी तोड़कर कितनी अच्छी बनी है। प्रॉपरली मसाला सब तरफ से इवनली लग चुका है। अब आप इसे हरी चटनी, इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके चैनल को कमेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय।